वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल नो अबाउट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और बीएससी नर्सिंग का कोर्स में क्लासरूम स्टडीज यानी कि थ्योरी पेपर्स होता है, प्रोजेक्ट्स होता है एंड असाइनमेंट होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम देयर इज 6 मंथ इंटर्नशिप ऑल्सो। इंटर्नशिप इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड का क्लिनिकल सेटिंग जो है उसको सिखाने के लिए 6 महीने का 6 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम एफिलिएटेड है INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। अगर कोई कॉलेज INC से अप्रूवल नहीं है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि विदाउट INC अप्रूवल एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना इनवैलिड होगा। बीएससी नर्सिंग का कोर्स में सब्जेक्ट लाइक ऐसा है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स में सब्जेक्ट जो है वो है फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, ये सब रिलेटेड का जो ह्यूमन बॉडी का है ये सब पढ़ाया जाता है। अभी जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। एज पर INC गाइडलाइन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, यानी कि क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम, और इंग्लिश में भी 45% मार्क्स चाहिए। मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स। कोई अगर GNM किया है ऑलरेडी, GNM करने के बाद भी वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अभी जानते हैं स्कोप ऑफ BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, काफ़ी प्लेसेस में, काफ़ी इंस्टीट्यूशन में BSc नर्सिंग का ज़रूरत पड़ते हैं। गवर्नमेंट का भी जॉब है और प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं। जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है सब हॉस्पिटल में BSc नर्सिंग का एम्प्लॉयमेंट होता है, BSc नर्सिंग का पोस्ट होता है। और प्राइवेट जो नर्सिंग है, प्राइवेट का जो हॉस्पिटल्स होता है, नर्सिंग होम्स होता है, उसमें भी BSc नर्सिंग का पोस्ट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग वो खुद को एडुकेशन फील्ड में एज एडुकेटर जॉब कर सकते हैं। होम केयर नर्सेस में भी हो सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, और भी पोस्ट है, काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग। जैसे रजिस्टर्ड नर्सेस हो सकते हैं, नर्स एडुकेटर हो सकते हैं, मेडिकल कोडर हो सकता है, इमरजेंसी रूम में नर्सिंग का काम होता है, ICU में भी नर्सिंग का ड्यूटी लगता है, तो वहाँ पे भी नर्स सही है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग अगर आप लोग चाहते हैं तो MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। एक BSc नर्सिंग का जो एवरेज सैलरी का पैकेज होता है वो अराउंड 4 लाख पर एनम होता है शुरुआत में, बाकी आगे एक्सपीरियंस होगा तो ये सैलरी बढ़ता जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग जान लेते हैं, जैसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग क्या क्या कोर्स किया जा सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग कर सकते हैं, और काफ़ी सारा कोर्सेस है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, वो भी कर सकते हैं। इज इट मैंडेटरी टू अपेयर नीट फॉर एडमिशन इन BSc नर्सिंग? नो, BSc नर्सिंग के लिए नीट में अपेयर होना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क चाहिए एंड एज होना चाहिए 17 ईयर। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना BSc नर्सिंग के बारे में। BSc नर्सिंग एक बहुत बढ़िया कोर्स है, आजकल बहुत सारा बच्चे BSc नर्सिंग कर रहे हैं। BSc नर्सिंग करके आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। आप लोग अगर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंडिया में काफ़ी सारा कॉलेजेस है, उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट का भी कॉलेज है और प्राइवेट में भी काफ़ी सारा कॉलेज है। आप लोग हम लोगों की थ्रू यानी कि कॉलेज पंडित की थ्रू भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारा कॉलेजेस हम लोग के साथ टाई अप है, अगर आप लोग हम लोगों के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो गिव अवसर तो जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं एक से एक वैल्यूएबल वीडियो आप लोगों के सामने लाने की, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।